जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर्स आपको कराए हैं उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़े थे और वो मैंने आपको करके लाने के लिए बोले थे। ये वाले क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किए होंगे तो और आपको आंसर भी मिले होंगे। इस वाले केस में मैंने 82 ईयर्स वाला जो केस था उसको आपको बोला था कि इसको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद में उसका आंसर आपको निकालना है। अगर आपसे ये बन गया होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से स्लैब रेट समझ में आया होगा। यहाँ पे बोला गया था मिस्टर हमारे उनकी टोटल इनकम है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22, और उनकी जो इनकम है ये है हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट से। मतलब ये नॉर्मल इनकम है, ये किसी स्पेशल रेट से चार्ज होने वाली इनकम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि टैक्स लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, और उनकी एज को क्या लेनी है, 82 ईयर्स लेनी है, ठीक है। तो 82 ईयर्स के लिए स्लैब रेट आपको याद होगी, अपन इसको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए स्लैब रेट आपको याद होगी, ये है सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी की एज है 80 ईयर्स से अबो। अब यहाँ पर इनकी स्लैब रेट क्या आती है, यहाँ पर स्लैब रेट आती है इनसे 0 से 5 लाख रुपए तक इनको निल रेट से टैक्स लगता है, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, 5 से 10 लाख रुपए तक इनको 20% से टैक्स लगता है, और 10 लाख एंड अबो से जाते हैं तो इनको यहाँ पर 30% से टैक्स लगता है। तो इनकी यहाँ पर इनकम हमको दी गई थी 12 लाख रुपए, तो 12 लाख में से 5 लाख यहाँ पे हट गए, तो यहाँ पे 5 लाख माइनस हो गए, ठीक है। यहाँ पर आ गई इनकी नील टैक्स लाइबिलिटी, उसके बाद यहाँ पर 5 लाख पे 20% अगर बोला है तो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा, 5 लाख × 20%, अब कितने बचते हैं, 2 लाख रुपए, उस 2 लाख रुपए के ऊपर 30% से, तो यहाँ पर 1 लाख आया था और यहाँ पर आ जाएगा 60,000, ये कितना हो गया, 1,60,000 इनका यहाँ पे टैक्स बन रहा है। अब 1,60,000 के ऊपर 4% से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,60,000 के ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 1,60,000 × 4/100, 6,400 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पर आप ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो गया ये 1,66,400। जब इनकी एज 82 ईयर्स है, इनकम है 12 लाख, एज 82 ईयर्स है, मतलब ये सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इस स्लैब रेट के हिसाब से इनके ऊपर टैक्स बनेगा। तो कितना टैक्स बन रहा है इनके ऊपर, 1,66,400 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ राउंड ऑफ करने के लिए नहीं आया, तो इतना ही टैक्स इनको सरकार को पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने दिमाग लगाया हो तो बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टैक्स लाइबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी थी मिस्टर सरल की, जो कि एक रेसिडेंट है, ठीक है, हु अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल 2022। अब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर। अब ये इनकी जो इनकम है, जो कि यहाँ पे दी हुई 5,60,000, ये इनकम है इनके प्रीवियस ईयर की, और जो कि है 2021-22। अब ये 2021-22 में 59 ईयर्स के थे, 59 ईयर्स इनकी एज थी। अब अगर इनकी एज 60 ईयर्स या उससे अबो होती है तो सीनियर सिटीजन में आते हैं, लेकिन अगर इनकी एज है 59 ईयर्स तो ये नॉर्मल सिटीजन में आएंगे, और इनके ऊपर 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख एंड अबो वाला स्लैब रेट रखेगा, जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो कि यहाँ पर रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए लगता है और नॉर्मल सिटीजन के लिए लगता है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, ये नॉर्मल सिटीजन है। अब नॉर्मल सिटीजन है तो इनके केस में इनको स्लैब रेट वही लगेगा, 0 से 2.5 लाख पे निल, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, और 10 से ऊपर जाएंगे तो कितना लगेगा, 30%। अब उस केस में हम इसको सॉल्व करते हैं, सबको यहाँ पर एज समझ में आ गई होगी कि इनकी जो एज है ये 60 ईयर, इसके अंदर यही एक पॉइंट है, यही एक बहुत
समझने वाला पॉइंट है कि इनकी जो एज है वो 60 ईयर्स की किस दिन हो रही है, वो हो रही है असेसमेंट ईयर जिस दिन स्टार्ट हुआ ना उस दिन इनकी एज हुई 60 ईयर, मतलब इसके एक दिन पहले ये 59 ईयर्स के ही थे। और उस जब इन्होंने ये इनकम को कमाया था, तो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब किसी भी समय प्रीवियस ईयर में किसी भी समय अगर वो 60 साल के हो जाते हैं तो उनके ऊपर सीनियर सिटीजन वाली स्लैब लगेगी, ठीक है, या एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जब उन्होंने वो इनकम कमाई है उस साल में अगर वो 80 साल या उससे ऊपर के हो जाते हैं तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में आएंगे। लेकिन जब उन्होंने इनकम कमाई है, जब उनकी एज इन दोनों क्राइटेरियाज में नहीं आ रही है, तो वो नॉर्मल सिटीजन कहलाएंगे और उनके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट लगेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, इनकी एज हो जाएगी 59 ईयर्स और ये हो जाएंगे, इनकी इनकम होगी 5,60,000 रुपीज। अब इनकी यहाँ पर एज कितनी है, तो यहाँ पर एज हम बोलेंगे 59 ईयर्स की इनकी एज है, ठीक है। इनके पास इनकम कितनी है, तो इनकी जो इनकम है वो है 5,60,000 रुपीज, 5,60,000 रुपये। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं कि 0 से 2.5 लाख पर, तो यहाँ पर लग गया इनका नील, ठीक है। उसके बाद के जो 5 से मतलब जो 2.5 से 5 के बीच में जो 2.5 लाख है उस पर 5% लगेगा, तो 2.5 से 5 के बीच में इनको लगेगा कितनी, 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख इंटू 5%, मतलब इस पर हो गया 12,500 रुपये। उसके बाद इनके पर ऊपर कितने बचते हैं, 2.5 यहाँ खत्म हो गए, 2.5 यहाँ खत्म हो गए, बचे 60,000, तो यहाँ पर आता है 5 से 10 के बीच में, इसके ऊपर लगता है 20%, तो सीधे इनके पास है 60,000 रुपीस, उसके ऊपर लगेगा 20% से, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000। अब इनके यहाँ पे कितना टोटल अमाउंट हो गया, 24,500 जो है ये इनका यहाँ पर अमाउंट हो गया। इसके ऊपर 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो यहाँ पर 24,500 पे 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालता हूँ मैं, तो वो आ जाएगा मेरा 980 रुपीस का, तो वो 980 रुपीस में यहाँ पर ऐड कर दूँ, 0, 8, 9, 5, 14 मेरा यहाँ पर आता है 25,480 रुपये का फाइनल टैक्स मेरा बनता है जब इनकी एज है 59 ईयर्स की और इनकी इनकम है 5,60,000 रुपये, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जो कि एज के ऊपर पूरा की पूरा डिपेंडेंट था, अगर आपने सही एज कैलकुलेट कर ली होती तो आपने इसका आंसर सही कैलकुलेट किया होगा, और अगर आपने गलत भी किया है तो ठीक है, गलतियां करके ही आप सीखते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा था, 25,480, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर के ऊपर, यहाँ हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। अब किसी भी व्यक्ति की टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है, तो सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना होता है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो रेसिडेंट में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और एक होता है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड किया है, तो इसके लिए यहाँ पर दो बेसिक कंडीशन दी हुई है। अगर ये दो बेसिक कंडीशन में से आप अगर एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट कहलाते हो, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट कहलाते हो। ये दो बेसिक कंडीशन में से आपको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। अगर आप दोनों बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, उस केस में आप डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहला जाओगे, मतलब NRI कहला जाओगे। अब यहाँ पर रेसिडेंट किस केस में कहते हैं, तो रेसिडेंट कहते हैं जब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, मतलब आप कितने दिन इंडिया में रहे हो और कितने दिन आप इंडिया में नहीं रहे हो। इसका है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1, क्या कहता है, अन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, मतलब इन दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दो तो आप रेसिडेंट कहलाओगे, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट कहला जाओगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर स्टे कर रहा है, मतलब वो इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 दिन या उससे ज्यादा का स्टे कर रहा है, तो वो एक पहली कंडीशन है, या तो ये सेटिस्फाई कर दे ये वाली कंडीशन, या और ही हैज बीन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट
60 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं वहां पर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए उस साल में उसने कम से कम 60 दिन रहना चाहिए, और जिस साल की बात कर रहे हैं उससे पिछले 4 सालों में, उससे पिछले 4 सालों में उसने एक कुल 365 दिन इंडिया में स्टे किया होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, उसने कम से कम इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा का स्टे किया होना चाहिए, या तो उसने इस साल में, जिस साल की बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने 60 दिन स्टे करना होना चाहिए, और जो जिस प्रीवियस ईयर है उसके पहले के इमीजिएटली प्रिसीडिंग द 4 ईयर्स उसने 365 दिन का स्टे किया होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको रेसिडेंट कहेंगे, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या कहेंगे, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब रेसिडेंट अगर हो जाता है तो उसके बाद हमको दो चीजें और चेक करनी होती है, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब उसको कैसे चेक करेंगे, उसके पहले यहाँ पे नीचे एक नोट है, उस नोट को पढ़ते हैं। इस नोट में दिया गया है, इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड अबो ही इज अ रेसिडेंट, जैसा कि मैंने बोला अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेसिडेंट कहेंगे, इफ बोथ द अबो कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इंडिविजुअल डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अब यहां पर आगे चलते हैं, आगे है ये जो अभी हमने यहाँ टर्म्स पढ़ी, स्टे इन इंडिया, ठीक है, इंडियन सिटीजन, तो उनको क्या कहेंगे, आप कहेंगे द टर्म स्टे इन इंडिया का मतलब, द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मीन्स टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक, तो 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी, फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, जो भारत की तट रेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल तक की जो पानी है उसको कहा, उसको कहेंगे इंडिया में ही माना जाएगा। ठीक है, इवन द स्टे इन अ शिप और बोट मूव्ड इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया वुड बी सफिशियंट टू मेक द इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। अब अगर वो किसी शिप वगैरह भी है, वगैरह पे है, और वो जो शिप है वो इस टेरिटोरियल वाटर के अंदर है तो भी उसको इंडिया में ही मानेंगे। अब कहते हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूस और एक्टिव। अब यहाँ पे बोला गया था कि उसने कम से कम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज होना चाहिए रहना, या तो इस साल में 60 दिन और इसके पिछले 4 सालों में 365 दिन, तो ऐसा नहीं है कि लगातार 60 दिन, वो एक दिन यहाँ पे रहे किसी भी स्टेट में, दूसरे दिन रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने भारत के किसी भी राज्य में वो कहीं भी रहे तो कंटिन्यूस स्टे की बात नहीं करी है। अगर जैसे मैं यहाँ पे इंडिया में रह लूँ 4 दिन, उसके बाद मैं 4 दिन बांग्लादेश चला जाऊँ, फिर वापस मैं इंडिया आ जाऊँ, फिर यहाँ पे मैं 15 दिन रह लूँ, फिर मैं और कहीं चला जाऊँ, तो ऐसा भी मैं रह सकता हूँ, इसमें ऐसा कंटिन्यूस स्टे की बात नहीं की गई। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में कंटिन्यूस रहे। इट इज एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब वो कहीं भी रह सकता है, अपने घर में रहे या फिर वो बिजनेस के प्लेस पे रहे, वो कहीं भी रहे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया। अब जो इंडिया में स्टे करने वाले जो दिन है उनको गिनते हैं, तो कैसे काउंट करते हैं, तो उसको काउंट करने के लिए बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। अगर जैसे मैं विदेश जा रहा हूँ, किसी साल में अगर मैं कहीं विदेश जा रहा हूँ, तो मैं जिस दिन जा रहा हूँ और जिस दिन वहां से वापस आ रहा हूँ, तो मेरा जाने वाला दिन और मैं वापस आ रहा हूँ वो वाला दिन, वो दोनों वाले जो दिन है उनको इंक्लूड करेंगे स्टे इन इंडिया, मतलब वो ऐसा माना जाएगा कि आप उस दिन इंडिया में थे, क्योंकि आपको अराइवल का और डिपार्चर का अगर समय नहीं पता है तो जो पूरे दिन है उनको स्टे इन इंडिया ही मान लिया जाएगा। अगला है द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पज हैज नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप। अगर आप भारत के नागरिक हो भी तो भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप इंडिया में रेसिडेंस हो। ठीक है, अगर आप भारत की नागरिकता के पास है और आप कनाडा में जाकर रह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, आप प्रीवियस ईयर में अगर आप इंडिया आए हो, ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि द रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द इनकम टैक्स पर्पज हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप। अगर आपके पास भारत की नागरिकता भी है तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप रेसिडेंस हो। रेसिडेंस होने के लिए ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल, ठीक है, आपका भले ही प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया रहा हो, आप भारत में रहे हो, ठीक है, अन इंडिविजुअल कैन बी देयर फॉर बी रेसिडेंट इन मोर कंट्रीज देन वन इवन दो ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल, मतलब वो दूसरे कंट्रीज में भी रह रहा हो, ठीक है, और इंडिया में इंडिया की सिटीजनशिप हो और कहीं जाके रह रहा हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो और उसके बाद भी आपको रेसिडेंस ही माना जाएगा। ये कंडीशन जब तक आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तब तक आपको रेसिडेंस नहीं माना जाएगा। तो ये चार हमारी जो टर्म्स थी, मतलब स्टे इन इंडिया को क्या कहेंगे, इंक्लूड्स कहेंगे स्टे इन इंडिया, टेरिटोरियल वाटर को इंक्लूड करते हैं, ये होता है 12 नॉटिकल माइल्स का, ये करीबन 22.22 किलोमीटर तक का एरिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसी? अभी हमने दो कंडीशन पढ़ी, अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप रेसिडेंट, अगर दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो नॉन रेसिडेंट। इन केसेस में अगर केवल पहली कंडीशन को चेक की जाएगी, मीन्स 182 डेज वाली जो कंडीशन है वो ही चेक की जाएगी, दूसरी वाली कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ इंडियन शिप। अगर कोई व्यक्ति है जो कि भारतीय शिप के ऊपर अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रहा है, उसकी वहां पर जॉब है सपोज, ठीक है, और वो एज अ क्रू मेंबर जा रहा है। जैसे आप एयरप्लेन में जाते हैं तो उसमें भी क्रू मेंबर्स होते हैं जो उसके स्टाफ होते हैं, तो अगर वैसा कोई व्यक्ति जो कि इंडियन शिप पे जा रहा है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के जा रहा है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे कि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा है या नहीं रहा है। उसके लिए वो 60 डेज वाली कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और 365 डेज इमिजिएटली प्रिसीडिंग 4 ईयर्स में, ठीक, ये वाली कंडीशन को हमको नहीं चेक करनी है, हमको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को ही चेक करनी है। दूसरा, वन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई व्यक्ति है वो रोजगार के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, अब वो रोजगार में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, वो खुद का वहां पे बाहर जाके बिजनेस करे, वो जॉब के पर्पज से भी जा सकता है या कोई एनी अदर पर्पज, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहिए उसने, उसने रोजगार के लिए बाहर जाना चाहिए, तो उस केस में भी हम सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति इंडिया से बाहर रहता है और उसके परिवार वाले यहाँ पर उसके पिताजी या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। अनडिवाइडेड इंडिया से मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले वो इंडिया में पैदा हुए हों। कौन? वो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे ना हम इसको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पिताजी या उसके दादाजी कहाँ पर पैदा होना चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल का वो व्यक्ति है। हु बींग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, मतलब वो भारत के बाहर रहता है और इंडिया आता है, ठीक है, विजिट के लिए ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं। हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब उनकी फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर अदर सोर्सेस से अगर उनकी इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है, ठीक है, मतलब अप टू 15 लाख है उनकी इनकम, यहाँ पर एक्सीड वाला है, ये दूसरी कंडीशन है। ये वाली जो कंडीशन है उसमें ऐसा है कि कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि इंडिया आता है विजिट के लिए ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और उसकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन इनकम इनकम है वो लेस देन है 15 लाख से, मतलब या तो अप टू है 15 लाख रुपीज, मतलब 15 लाख रुपए तक है, तो हमको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है। लेकिन लेकिन अगर उनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाए तो उस केस में हमको 182 डेज वाली कंडीशन चेक नहीं करनी है, उसमें हमको सिर्फ सेकेंड कंडीशन चेक करनी है। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? वहां पर 60 डेज कहा गया है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उन्होंने 60 डेज स्टे करना होना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर के इमीजिएटली प्रिसीडिंग 4 साल में 365 दिन होना चाहिए। तो इस व्यक्ति के केस में जिसकी इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेस 15 लाख रुपए से अगर ज्यादा हो जाती है, तो उसके केस में ओनली सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, और उसमें वहां पर सेकेंड कंडीशन में जो 60 दिन लिखा था उस पीरियड को हम 120 डेज से रिप्लेस कर देंगे। मतलब उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी कि उनको प्रीवियस ईयर में 120 दिन और इमीजिएटली प्रिसीडिंग 4 साल में 365 दिन स्टे किया होना चाहिए, तो उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे, ठीक है, और उस केस में अगर वो कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको डायरेक्ट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट घोषित कर देंगे। यही इस पॉइंट का कहना है। ये पॉइंट क्या कहता है? एक इंडियन सिटीजन है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स, मतलब 15 लाख से एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया इफ द पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द
इफ द पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर और ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीजिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर एंड ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 120 डेज। यहाँ पर 60 डेज था तो यहाँ पर 120 डेज उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यही चीज जो मैंने आपको बताई, अब आता है हमारे पास रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो सबसे पहले क्या है उस केस में, क्या करना है कि उस केस में कब ऐसा मानेंगे। तो हमने रेसिडेंट मानने के लिए क्या किया कि रेसिडेंट के लिए दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप रेसिडेंट हो गए, दोनों में से एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी, तो एडिशनल कंडीशन में आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसका सबसे पहले सेक्शन बेसिक कंडीशन का सेक्शन था, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। बेसिक कंडीशन क्या कहती है, स्टे इन इंडिया होना चाहिए 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, या तो और स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीजिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। बेसिक कंडीशन हो गई, दोनों में से एक सेटिस्फाई करोगे तो क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अगर दोनों ही आपने सेटिस्फाई नहीं करी तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। ये आ गया समझ में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट। अब दोनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, या तो ये, ठीक है, मतलब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, तो मैं बन गया रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बनते हैं तो यहाँ पे दो केस आते हैं, एक तो रेसिडेंट बट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RNOR और ROR। अब अगर व्यक्ति दोनों में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के साथ में ये दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, दोनों एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, दोनों एडिशनल कंडीशन में से पहली कंडीशन है रेसिडेंट फॉर 2 ईयर्स और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, मतलब उस प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में 2 बार उसने रेसिडेंट होना चाहिए, और एंड यहाँ पे लगाया, मतलब ये कंडीशन दोनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, और स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के पिछले 7 प्रीवियस ईयर में कम से कम 730 दिन या उससे ज्यादा का स्टे होना चाहिए, दोनों कंडीशन के साथ में ऊपर वाली एक कंडीशन, तो क्या कहेंगे, RNOR। अगर एक बेसिक कंडीशन एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो RNOR हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, एक बेसिक कंडीशन के साथ में दोनों एडिशनल कंडीशन तो ROR, एक बेसिक कंडीशन के साथ में एक एडिशनल कंडीशन RNOR, या एक बेसिक कंडीशन के साथ में कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भी RNOR बन जाएगा। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आता है एक डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट मान लेंगे, और ये कैसा रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब RNOR। कौन व्यक्ति होगा, अन इंडिविजुअल एंड बीइंग अन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, जो कि हमने प्रीवियस वाले पॉइंट में पढ़ा, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एक्सीडिंग ₹15 लाख, मतलब अगर कोई व्यक्ति है इंडियन सिटीजन है उसकी जो इनकम है वो कि 15 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है, मतलब 15 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वुड बी डीम्ड टू बी इंडियन रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टू द टू कंडीशंस। ये कंडीशन क्या कहती है, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्रीज, मतलब ये जो इनकम है ना ये इंडिया में इनकम है, ठीक है, उसने अदर देन फॉरेन सोर्सेस से इनकम कमाई है और वो कि 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसने 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाई है और वो वाली जो इनकम उसने कमाई है ना वो किसी और वो जो पर्सन है वो किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं है, और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर, मतलब उसने अदर देन फॉरेन इनकम्स से, मतलब फॉरेन सोर्सेस की जो इनकम है उसके अलावा उसने इनकम कमाई है और वो इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, और वो जो व्यक्ति है वो इन किसी रीजन से, मतलब या तो वो किसी और कंट्री में रहता हो, ठीक है, या तो उसके पास में और किसी कंट्री का
डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो और वो उस कंट्री में टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं है, तो उसको इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। और कैसा रेसिडेंट मानेंगे? तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा। हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 6(1)। अगर 6(1) वाली जो कंडीशन है बेसिक कंडीशन उसके वो उसमें आ गया अगर ये व्यक्ति, तो फिर इसकी ये डीम्ड रेसिडेंट के अंदर वो नहीं आएगा। डीम्ड रेसिडेंट में कब आएगा? डीम्ड रेसिडेंट में तब आएगा जबकि ये वाली कंडीशन हो, ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री फॉर एनी रीजन, या तो उसके पास वहां का डोमिसाइल हो, या तो वो रेसिडेंस हो किसी अदर कंट्री में, ठीक है, या फिर ऐसा कोई अदर क्राइटेरिया लग रहा हो। ठीक है, पॉइंट एक बार रिपीट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसको डीम्ड रेसिडेंट कब मानेंगे? डीम्ड रेसिडेंट का सेक्शन 6(1) है। क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति है इंडियन सिटीजन है, ठीक है, उसकी अदर देन फॉरेन सोर्सेस से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या चेक करने पड़ेगा? उसको हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे इंडिया में, और RNR मानेंगे, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, यहां तक का आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे यही चीज है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब दो एडिशनल कंडीशंस थी, वो एडिशनल कंडीशंस को यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में लिखा गया है, वही बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि ओनली इंडिविजुअल्स एंड HUF कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब जो कि इंडिविजुअल व्यक्ति होता है वही रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है। जो दूसरे पर्सन होते, पर्सन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था LOP, BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो सिर्फ जो इंडिविजुअल या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यही इनका रेसिडेंशियल स्टेटस में ही रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकता है। अदर क्लास ऑफ असेसीज मतलब जो अदर क्लास ऑफ पर्सन थे, मैंने पर्सन की डेफिनेशन में आपको पढ़ाया था, कैन बी इधर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। उनके केस में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब ROR और RNOR वाला केस नहीं चलता है। अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन इज वन हु सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 out of 10 प्रीवियस ईयर, मतलब मैंने आपको पिछली वाली उसमें पढ़ाया था कि दो प्रीवियस ईयर मतलब 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार उसने रेसिडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे कह दिया नॉन रेसिडेंट होना चाहिए 9 बार, 10 सालों में से 9 बार नॉन रेसिडेंट, तो बात वही हुई, उस वाली कंडीशन को उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इफ सच इंडिविजुअल हैज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस। मैंने आपको क्या बोला था कि पिछले 7 सालों में 730 दिन रहना चाहिए या उससे ज्यादा रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो क्या कहेंगे? अगर दोनों वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या कहेंगे उसको? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो यहाँ यही कहा गया है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कब कहेंगे? जब इन दोनों में से वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, अगर दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा वो डायरेक्ट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक कंडीशन अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या कहेंगे? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यहाँ पे कंडीशंस को उल्टा करके लिखा गया है, और वही जो 15 लाख वाली कंडीशन थी वो यहाँ पर 120 डेज चेक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो वो ये हम ऑलरेडी वाला पॉइंट को कवर कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट है, इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 6 है, इट मे बी नोटेड डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके पहले मैं ये पॉइंट लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मैं आपको बार बार बोल के बता रहा था कि कोई भी पर्सन जो कि डीम्ड रेसिडेंट है, जिसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर उसकी अदर देन फॉरेन सोर्सेस से इनकम 15 लाख रुपीज से एक्सीड कर रही है, तो हम और वो किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लाइबल नहीं है, और उसके पास में किसी और कंट्री का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है भले ही वो, या फिर किसी और कंट्री का रेसिडेंस है, तो भी उसको हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और उसको कौन सा रेसिडेंट मानेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RNOR। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा कि ऐसा एज इट इज पूछ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल तक का ही पार्ट है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा
यहाँ पे समझने वाला लेक्चर है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बार बार इसको रिपीट करके देखना, और ये पीपीटी आपको एज इट इज में दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको पढ़ के। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बार में आएगा। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर ए इंडियन सिटीजन बींग अ मेंबर ऑफ क्रू ऑर अ फॉरेन बाउंडशिप लिविंग इंडिया। अगर कोई व्यक्ति है जो कि फॉरेन बाउंडशिप पे इंडिया से बाहर जा रहा है, फॉरेन बाउंडशिप क्या है, वो यहाँ से जाएगा फॉरेन, वहाँ पर स्टे करेगा, वहाँ से वापस आएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति है जो फॉरेन बाउंडशिप पे बाहर जाता है, ठीक है, तो उस केस में उसके नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज इन स्टे इन इंडिया फॉलोइंग टाइम लिमिट शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब इस टाइम को स्टे इन इंडिया से का जो टाइम आप काउंट करोगे उससे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उससे आपको हटाना पड़ेगा। क्या चीज़ है ये? फ्रॉम द डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना, वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, फॉरेन बाउंड शिप पे, तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब वो जिस दिन शिप को ज्वाइन करेगा तो वहां पर एक ज्वाइनिंग की डेट दी गई होगी, और वो जब फॉरेन बाउंड शिप से घूम के वापस आ जाएगा तो उसके पास में यहाँ पर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपिंग ऑफ साइनिंग ऑफ, उसके पास उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक साइनिंग ऑफ की डेट लिखी होगी। तो इन दोनों डेट्स को एक्सक्लूड करना है, इन दोनों डेट्स को एक्सक्लूड करना है, मतलब जिस दिन उसने ज्वाइन किया शिप को तो वो ज्वाइनिंग वाली डेट, और जिस दिन उसने साइन ऑफ किया, जिस दिन उसने उस शिप को छोड़ा, तो ये दोनों डेट और इन दोनों डेट के बीच का पीरियड उसको एक्सक्लूड करना है। अगर यहाँ पर कोई इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ क्रू बन के जा रहा है ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप, अगर किसी फॉरेन बाउंड शिप पे इंडियन सिटीजन मेंबर बन के जा रहा है, ठीक है, क्रू मेंबर बन के जा रहा है, तो उसको एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। उसके ऊपर जिस दिन वो जाता है तो ज्वाइनिंग की डेट लिखी होती है, और जिस दिन वो शिप से वापस आता है तो उस पर एक साइन ऑफ की डेट होती है। तो ज्वाइनिंग और साइन ऑफ की डेट दोनों मिला के इसके बीच में जो पीरियड होता है, मतलब ज्वाइनिंग वाली डेट और साइन ऑफ वाली डेट को भी इंक्लूड करना है, उसके बीच का जो पीरियड है इसको आप स्टे इन इंडिया में जब कैलकुलेट करोगे तो उससे एक्सक्लूड करोगे, हटा दोगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने डिलीवर आपको कर दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाएगी अगर ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो, क्योंकि आपको यहाँ पर स्लैब रेट से पहले तो टैक्स कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद अगर उसकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो सरचार्ज देना होता है। अब सरचार्ज देगा तो उसको एक एडिशनल टैक्स लगता है। अब सरकार ने यहाँ पे कहा था कि जिन लोगों के ऊपर सरचार्ज लगता है उसको भी अगर छूट लेनी है तो उसको फिर मार्जिनल रिलीफ वाला एक कॉन्सेप्ट आया था। तो ये मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज अगर लग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ दी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है उस व्यक्ति की कि उस पर अगर टैक्स लगाओगे तो फिर आप टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लगा रहे हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो गया, तो उस बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया था। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल होता है जो लोग सरचार्ज पे करते हैं। अगर सरचार्ज नहीं लग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं आती है। अब सरचार्ज कब लगता है? जब इनकम 50 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है, मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होती है तो ही सरचार्ज लगता है, और जब सरचार्ज लगेगा तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा। अब अभी तक हमने सरचार्ज वाला कोई भी क्वेश्चन किया नहीं था, क्योंकि इनकम अगर 50 लाख से ऊपर चली गई तो फिर इतने सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे, मतलब आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जब बैठोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, और एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपका टाइम इतना बड़ा कैलकुलेशन करा के वो खराब करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछे, लेकिन हाँ मैं फिर भी आपके लिए पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये है मेरे सामने आ गया था तो मैंने इसको फिर नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे द फॉर द पर्पस ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज टू इंश्योर दैट द इंक्रीजेज इन अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ द असेसी बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल इन द केस ऑफ सच पर्सन रेफर्ड इन द अबो, मतलब जिन लोगों के ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है, उनकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसके लिए उनको थोड़ी सी रिलीफ दी जाती है। अब उस रिलीफ उनके ऊपर, मतलब लिमिट्स दी गई है जिनके ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है, सरचार्ज की अलग अलग लिमिट है, ठीक है, सरचार्ज की मैंने आपको लिमिट पढ़ाई थी, जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक है,
उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़, उसके बाद 2 से 5 और 5 करोड़ से ऊपर। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 37% से था, ठीक है। 2 से 5 करोड़ वालों के लिए 25% था, ठीक है। 1 से 2 करोड़ के लिए 15% था, और 50 लाख से 1 करोड़ के लिए 10% की सरचार्ज की रेट थी। वो 50 लाख रुपए तक जिनकी इनकम थी उनके लिए नील था, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, मार्जिनल रिलीफ की भी रेट्स दी गई है। कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर कहा है वेयर द टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज बट लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। मतलब जिनकी ऊपर इनकम अगर 50 लाख रुपए तक है तो नील सरचार्ज ये 50 लाख रुपए से ऊपर हो रही है तो सरचार्ज लगता है, तो 50 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है और 1 करोड़ रुपए तक है या 1 करोड़ रुपए के बराबर या 1 करोड़ से कम है, तो उनके लिए मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनके ऊपर सबसे पहले तो हम स्लैब रेट लगाएंगे, ठीक है। स्लैब रेट लगाने के बाद में हम टैक्स निकालेंगे उसका। वो तो कहा गया है कंप्यूट इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एंड एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेबल निकालेंगे, इनकम टैक्स पेबल निकालेंगे और उसके ऊपर 10% की रेट से सरचार्ज ऐड करके हम इसको ए नाम दे देंगे, ठीक है, ए से डिनोट कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कंप्यूट इनकम टैक्स पेबल ऑन 50 लाख रुपीज। देखो यहाँ पर इनकम कहा था 50 लाख से एक्सीड हो रही है तो 50 लाख रुपए तक नहीं लगता ना सरचार्ज, तो 50 लाख रुपए में जितना सरचार्ज जितना टैक्स बन रहा है उतना कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद 50 लाख रुपए से उनकी उसकी इनकम कितनी एक्सक्लूड मतलब बढ़ रही है, एक्सीड हो रही है, तो टोटल इनकम उसकी जितनी है उसमें से 50 लाख रुपए माइनस करके वो अमाउंट निकाल लो कि उसकी इनकम 50 लाख से कितनी ज्यादा है। सपोज इनकम 52 लाख है तो 2 लाख रुपए ज्यादा है, तो यहाँ पे वो डिफरेंस निकाल लो टोटल इनकम और 50 लाख के बीच का वो डिफरेंस आ गया, इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दो। स्टेप नंबर 4 में क्या कहा गया है, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, उसको बी नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे होगी आपकी मार्जिनल रिलीफ निकल के आ गई, क्या होगा इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम विद सरचार्ज वुड बी द लोअर ऑफ अमाउंट अराइव एट स्टेप नंबर 1। मतलब ये ए जो स्टेप नंबर 1 में जो अमाउंट निकला है ये, या तो ये जो अमाउंट है इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वो आपको टैक्स पे करना होगा। अब सपोज यहां पर अमाउंट आपका निकल के आया 14 लाख, यहां पर आपका अमाउंट निकल के आया 13 लाख 50 थाउजेंड, तो आपको टैक्स के कितना पे करना है 13 लाख 50 थाउजेंड। तो अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होती, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया होता तो देने होते 14 लाख, लेकिन अगर ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपको आज कितने देने हैं 13 लाख 50 थाउजेंड। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, 13 लाख 50 थाउजेंड है तो 50 हज़ार का डिफरेंस आया ना, उस 50 हज़ार का डिफरेंस को ही मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा कैलकुलेट, इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसकी जितनी टोटल इनकम है उसके ऊपर स्लैब रेट लगाओ, उससे टैक्स लाइबिलिटी निकाल के उस पर 10% से सरचार्ज ऐड कर दो और उसको ए नाम दे दो। दूसरा क्या करना है, 50 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है वो निकालो, और एडिशनल इनकम उसकी 50 लाख रुपए के ऊपर कितनी हो रही है उसको निकाल लो, ठीक है। और इन दोनों अमाउंट को जो स्टेप 2 और स्टेप 3 में निकाला उन दोनों को ऐड कर लो। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में इनको ऐड कर लिया, फिफ्थ स्टेप में ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा अमाउंट कम है, जो अमाउंट कम है उतना टैक्स आपको पे करना है और जो डिफरेंस आ गया वो हो गया मार्जिनल रिलीफ। वही ये फोर्थ पॉइंट कहता है, इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम अलोंग विथ सरचार्ज वुड बी द लोअर ऑफ द अमाउंट अराइव एट इन स्टेप 1 और स्टेप नंबर 4। कॉन्सिक्वेंटली अगर ऐसा कहें कि ए वाला अमाउंट ज्यादा है बी वाला अमाउंट कम है तो ए माइनस बी को मार्जिन रिलीफ कह दो, ठीक है। आप इसके ऊपर आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर सरचार्ज की रेट अलग अलग है, इनके लिए कितनी थी 10% थी, अब आगे हम आते हैं इसके लिए कितनी हो जाएगी 15% की रेट है, तो इसका कैलकुलेशन अलग होगा। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कंप्यूट इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एंड एड सरचार्ज एट द रेट 15%। क्यों 15%, क्योंकि इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी ना, 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो यहाँ पे सरचार्ज 15% से लगता है, इसके लिए यहाँ पे आ गया 15%, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या किया था, पिछले वाले में 50 लाख रुपए तक की इनकम पे हमने क्या किया था, टैक्स निकाला था। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 1 करोड़ रुपए की जो इनकम है ना वहां तक का टैक्स निकाल लो। अब 1 करोड़ रुपए की इनकम तक आए तो आप आ गए सरचार्ज वाले रेट में, तो 1 करोड़ रुपए तक की इनकम पे कितना सरचार्ज लगता है 10%, तो वो सरचार्ज को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1 करोड़ से
ऊपर टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ वो निकाल लो, ठीक है। वो जो अमाउंट आ गया उसको स्टेप टू और स्टेप थ्री के अमाउंट को ऐड कर दो, ठीक है। फोर्थ वाले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाले में इस बी वाले को और इस ए वाले को कंपेयर कर लो, जो कम है वो आ गया आपका टैक्स पेबल अमाउंट, जो डिफरेंस है उसको कहेंगे मार्जिन रिलीफ। सेम ऐसा कैसा आ गई है, आ गया यहाँ पर कहा है 2 से 5 करोड़ के बीच में, तो यहाँ पर फिर सरचार्ज की रेट अलग हो जाएगी। इस वाले कैलकुलेशन में सरचार्ज की रेट 15% हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ 2 से 5 करोड़ है तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए 2 करोड़ लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा क्योंकि आपको इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो उससे क्या होगा आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप खुद घर बैठ के करते रहना और उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस मैं आपको डायरेक्ट ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। ऐसा ही हम फोर्थ वाले में, अगर आपकी इनकम 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच में आ रही है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे ये गलत है, इसमें यहाँ 5 करोड़ से ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनकम, यहाँ पे टोटल इनकम एक्सीड हो जाती है 5 करोड़, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्सीड हो जाती है ₹5 करोड़ से, यही आएगा इतना यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करके अपलोड करा दूंगा, ठीक। तो इसको ऐसे ही सबके कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो आपका तरीका है कैलकुलेशन का वो यहाँ पर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ये आगे यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एज्ड 42 ईयर्स, जिनकी एज है 42 ईयर। तो ये 42 ईयर की एज क्यों दी है, 42 ईयर्स की एज इसलिए दी है क्योंकि आपको स्लैब रेट पता चले। अब ये हो गए नॉर्मल सिटीजन, तो इनके ऊपर कौन सी स्लैब लगेगी, 0 से 2.5 लाख पे नील, 2.5 से 5 पे 5%, 5 पे 10 से 20% और 10 से ऊपर 30%, ठीक है। इतनी बार टैक्स स्लैब बोलने का क्या रीजन, इसलिए बार बार कि आप सुनो तो आपको याद हो जाए। मेरे को भी याद नहीं थी, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद होगी, वैसे ही आपको भी सुनते सुनते याद हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एज्ड 42 ईयर्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹51 लाख, जिनकी इनकम 51 लाख रुपए है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक है। प्रीवियस ईयर हो गया 2021-22। अज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। मतलब इसमें ये जो तीनों सोर्सेस ऑफ इनकम है इसमें कोई स्पेशल रेट से टैक्स नहीं लगता, तो नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है ना। तो इसमें नॉर्मल स्लैब रेट जो अपन ने पढ़ी है वही लगेगी। अज्यूम दैट मिस्टर ए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सिक्स ऑफ सेक्शन 115 BAC। अगर 115 BAC कर लेते तो स्लैब रेट चेंज हो जाती। अब इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या कहा था, सबसे पहले स्टेप में कहा था कि 51 लाख है ना, तो पूरे 51 लाख के ऊपर आप वो निकाल लो, क्या निकाल लो, 51 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट करो। तो 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 लाख पे 5%, ठीक, 5 से 10 के ऊपर 20% और 10 से ऊपर 30%। साथ साथ कैलकुलेट आप करते जाओ। इसमें यहाँ पे आ गया नील, आपके यहाँ पे 2.5 खत्म हो गए, 2.5 पे यहाँ पे आता है टैक्स ₹12,500 का। उसके बाद में नीचे आता है 5 to 10 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख के ऊपर 20% से 1 लाख का टैक्स बनता है, ठीक है। और 10 लाख एंड अबो, मतलब यहाँ तक कितने आपके खत्म हो गए, 5, 5, 10 खत्म हो गए, अब बचे 41 लाख पे 30% आपको टैक्स लगाना है, 41 लाख पे 30%, ठीक है, वो यहां पर आपको लगाना है। आता है यहां पे 12,30,000। अब इतना इतना टैक्स अगर कोई व्यक्ति देगा तो मार्जिनल रिलीफ तो देनी पड़ेगी ना, अगर इतना इतना कोई टैक्स पे कर रहा है तो मार्जिनल रिलीफ तो देनी पड़ेगी। टोटल कर लो इसको, 12,30,000 में 1 लाख जोड़े 13,30,000, और 13,30,000 में 12,500 जोड़े तो 13,42,500 रुपये। इसके ऊपर 10% से सरचार्ज भी जोड़ना था, तो 10% से सरचार्ज भी मैंने जोड़ दिया, वो कितना हो गया सरचार्ज, 1,34,250। ठीक, इसको टोटल कर दो, 0,57,671।
14,76,750 रुपये, ये आता है ए, हमको बोला था ए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए हमारा कितना आ गया, 14,76,750 रुपीज़। ये स्टेप नंबर वन हो गई। स्टेप नंबर टू में क्या कहा था, स्टेप नंबर टू में कहा था 50 लाख रुपए तक आप टैक्स निकाल लो, तो यहाँ से बस 1 लाख रुपए को कम कर दो। 41 लाख था ना, यहाँ से यहाँ पे 40 लाख पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही सेम रहेगा ये, तो ये अमाउंट सेम रहेगा, 1 ही लाख कम हो रहा है क्योंकि एक्सीड 1 लाख हो रहा है, इसको कम कर दो। तो यहाँ पे 4 या 12, यहाँ पे सिर्फ 12 लाख का टैक्स बनेगा। आप टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 13,12,500। ठीक है, अब इनकम 50 लाख रुपए तक की करना था, 50 लाख तक कुछ भी सरचार्ज नहीं लगता, तो इस पे सरचार्ज ऐड नहीं करने का अपने को। ठीक है, ये अमाउंट हो गया हमारा। अब इसके अंदर डिफरेंस जोड़ना था, 50 लाख से ऊपर एक्सीड कितना कर रहा है, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए मैं इसमें जोड़ दूं, तो ये कितना हो गया, 14,12,500। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर तीन, डिफरेंस निकालना था 50 लाख से ऊपर का, ये हमारी हो गई स्टेप नंबर तीन, है ना। तो हमारा बी क्या आ गया, स्टेप नंबर फोर में क्या बोला था, सेकेंड और थर्ड को जोड़ दो, तो हमारी सेकेंड स्टेप ये थी, थर्ड स्टेप ये थी, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को जोड़ दिया हमने, तो यह हो गई हमारी फोर्थ स्टेप और ये आ गया बी। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप में क्या था, कंपेयर कर लो इन दोनों में से, जो कम हो वो आपका टैक्स आपको देना है, तो आपको इतना देना है, 1,14,000, वो सॉरी 14,12,500 रुपये का आपको टैक्स देना है। ठीक है, अब 14,12,500 का क्या टैक्स दे दोगे, नहीं, 14,12,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मार्जिन रिलीफ क्या हो गई, मार्जिन रिलीफ हो गई इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे माइनस करके देख लो कि कितना यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है, 141,250, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ 0,0। तो आपकी मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट कितना हो गया, मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट हो गया आपका 64,250 रुपीज़। और अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछे तो इस वाले अमाउंट के ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, तो वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी इस व्यक्ति के लिए हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट कितना क्या कैलकुलेट करना था हमको, मार्जिनल रिलीफ हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इनकी जो इनकम है ना वो 1 करोड़ 1 लाख ले लेना अगले केस पे जाने के लिए। ठीक है, ये तो 50 लाख से एक्सीड कर गई थी, अब अगले केस पे जाने के लिए 1 करोड़ 1 लाख ले लेना। ठीक, उसके बाद में उसके नेक्स्ट केस पे जाने के लिए 2 करोड़ के ऊपर की इनकम ले लेना, उसके अगले केस पे जाने के लिए 5 करोड़ से इनकम ऊपर के ले लेना, और ऐसे आप कैलकुलेशन कर करके देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा, इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं नहीं सोचता कि एग्जाम में पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाँ आपसे सिर्फ मार्जिनली पूछे, डायरेक्ट अमाउंट दे दे कि स्टेप वन का अमाउंट ये है, स्टेप नंबर टू का अमाउंट ये है, तो मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट कितना होगा, आप डिफरेंस निकाल लो, या तो सिर्फ आपको डायरेक्ट निकाल के दे दे, है ना, आपको डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करके दे दे और बोल दे कि अब आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा आपको इनकम देने के बाद इतनी सारी चीजें कैलकुलेट कराए तो वो फिर काफी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। अब आते हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा प्रो, जहां पर एक सिंगल एनरोलमेंट में आपको बहुत सारी राज्य सरकार, जितनी भी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जितनी भी राज्य सरकार की वैकेंसियां हैं उनकी टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, वो सारी की सारी आपको एक ही एनरोलमेंट में मिल जाएगी। परीक्षा प्रो आपको एनरोल करना है तो आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर आपको परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आप उसको एनरोल करेंगे, उसमें आपको ग्रुप टू सब ग्रुप टू की डेली डोज और ग्रुप टू सब ग्रुप टू की टेस्ट सीरीज जो कि हूबहू परीक्षा पैटर्न पर बनाई गई है, तैयार की गई है, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। उसमें आने वाली 10 तारीख तक सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप वो अगर टेस्ट सीरीज इंजॉय करना चाहते हैं तो आप परीक्षा प्रो को सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन आते हैं, आज जो हमने पढ़ा उसके यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या कहता है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर, रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति का निर्धारण क्यों किया जाता है। हाँ, निर्धारण करने के लिए क्या मतलब, निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर मतलब प्रीवियस ईयर के लिए निर्धारित किया जाता है, या फिर असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, या वित्तीय वर्ष, तो इसका आंसर होगा प्रीवियस ईयर। स्टे चेक करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक, आगे चलते हैं, मतलब ये चेक करते हैं ना कि वो प्रीवियस ईयर में कितने साल इंडिया में रहा, तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं कैसे, तो प्रीवियस ईयर के लिए डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन, अन इंडिविजुअल हु वॉन्ट्स टू बी रेसिडेंट इन इंडिया मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट, मतलब उसको इंडिया में कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट 182 डेज, या तो उससे ज्यादा, तो कम से कम 182 दिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको रहना चाहिए इंडिया में, तो उसको हम रेसिडेंट कहेंगे। 60 डेज वाली कंडीशन सेकेंड बेसिक कंडीशन है, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड उसके बाद में इमिजिएटली प्रिसीडिंग 4 ईयर में उसको 365 डेज इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, तो कम से कम 182 डेज यहाँ पर इसका आंसर है, मतलब पिछले वर्ष में 182 दिन। ठीक, ऐसे ही ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको, क्वेश्चन ऐसा मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, कर का निर्धारण कराधान की घटना खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमने जब चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ा था तो वहां पे सबसे पहली चीज थी डिटरमिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, तो किसी भी व्यक्ति की अंडर इनकम टैक्स एक्ट इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ टैक्स पेयर, वो किसी भी सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी एज पे भी डिपेंड नहीं करता, एज के ऊपर तो स्लैब रेट डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है, इसके आधार पे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो अलग, ठीक है 15 लाख से इनकम एक्सीड कर रही तो फिर अलग। अब यहाँ पे आता है द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज असर्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ, कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है, अभी मैं बार बार बात कर रहा था रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(1) डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1) है, तो सेक्शन 6 धारा 6 के अनुसार एक निर्धारिती की आवासीय स्थिति का निर्धारण धारा 6 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ पर्सन इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एनआरआई इफ ही फेल्स टू फुलफिल, एनआरआई कब कहेंगे, जब अगर वो एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब अगर वो बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसको हम नॉन रेसिडेंट इंडियन घोषित कर देंगे। तो द एडिशनल कंडीशन, या तो एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, या बोथ बेसिक कंडीशन, या बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मतलब एक पर्सन को नॉन रेसिडेंट कब कहेंगे, जब वो क्या कौन सी कंडीशन को फुलफिल करने से मतलब नहीं करता, तो यहाँ पे आएगा कि दोनों बेसिक कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो रेसिडेंट कहला जाएगा, अगर दोनों बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहला जाएगा, एनआरआई कह देंगे उसको। ठीक है, तो ये था हमारा आज के 5 प्रश्न, और मुझे ऐसा लगता है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें,